मेवाड़ की पावन धरती ने कई महान वीर एवं पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। गोरा और बादल भी उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक है। ये धरती हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। तो आइए जानते हैं उन दो महान योद्धाओं के बारे में जिनके लिए कहा जाता है कि जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। गोरा तत्कालीन चित्तौड़ के सेनापति थे एवं बादल उनके भतीजे थे। दोनों अत्यंत ही वीर एवं पराक्रमी योद्धा थे। उनके साहस बल एवं पुरुषार्थ से सारे शत्रु कांपते थे। गोरा एवं बादल इतिहास के उन गिने चुने योद्धाओं में से एक थे जिनके पास बाहुबल के साथ साथ तीव्र बुद्धि भी थी। इनकी बुद्धि एवं वीरता ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया जिसे कोई और शायद ही कर पाता। गोरा और बादल राजपूत इतिहास के सबसे वीर सेनापतियों में गिने जाते हैं। आज इस वीडियो में आप उनकी वीरता को जान पाएंगे। धन्य हो भारत माता और राजस्थान की वीर भूमि जहाँ इन दो शूरवीरों ने जन्म लिया। गोरा और बादल ना तो राजा थे और ना ही सम्राट, लेकिन साहस और वीरता पर एकाधिकार किसी राजा का ही हो यह जरूरी नहीं है। जरा सोचिए उन भावनाओं का जहाँ सेनापति अपनी गर्दन कटवा ले और धड़ युद्ध लड़ता रहे। चित्तौड़गढ़ का इतिहास वीरता की मिसालों से भरा पड़ा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल की कथा कई महायुद्धों पर भारी पड़ने वाली घटना है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध की रणनीति बनाने में गोरा और बादल का कोई जवाब नहीं था। चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा जिन 7 अवैध दरवाजों पर टिकी थी उनमें से 2 गोरा और बादल थे। इतिहास जिस तरह से गोरा के पराक्रम को याद करता है उसी तरह उनके भतीजे बादल को भी याद करता है। बादल बचपन से ही अपने काका की तरह युद्ध कला में निपुण थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। युद्ध कला में महारत होना एक अलग बात है, लेकिन महाभारत के अभिमन्यु की तरह मुश्किल हालात में अपने शौर्य को साबित कर पाना किसी भी योद्धा के लिए मुश्किल होता है। बादल के अग्नि परीक्षा का समय आ गया था। बादल को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी इसके लिए आपको चित्तौड़ के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह ने एक स्वयंवर में रानी पद्मावती से शादी की। रानी पद्मावती के रूप और गुण के चर्चे आसपास के राज्यों में भी थे। रानी पद्मावती के सुंदरता के बारे में सुनकर दिल्ली का तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाने के लिए लालायित हो उठा और उसने रानी को पाने के लिए चित्तौड़ दुर्ग पर एक विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी। उसने चित्तौड़ के किले को कई महीने घेरे रखा, पर चित्तौड़ की रक्षा के लिए तैनात राजपूत सैनिकों के अदम्य साहस व वीरता के चलते कई महीनों की घेराबंदी व युद्ध के बावजूद भी खिलजी चित्तौड़ के किले में नहीं घुस पाया। तब खिलजी ने कूटनीति से योजना बनाई और अपने दूत को चित्तौड़ रतन सिंह के पास भेज संदेश भेजा कि हम तो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। रानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, इसलिए हमें तो सिर्फ एक बार रानी का मुंह दिखा दीजिए, हम घेरा उठाकर दिल्ली लौट जाएंगे। संदेश सुनकर रतन सिंह आग बबूला हो उठे, पर रानी पद्मावती ने इस अवसर पर दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने पति रतन सिंह को समझाया कि मेरे कारण व्यर्थी चित्तौड़ के सैनिकों का रक्त बहाना बुद्धिमानी नहीं है। रानी को अपनी नहीं पूरे मेवाड़ की चिंता थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके चलते पूरा मेवाड़ राज्य तबाह हो जाए और प्रजा को भारी दुख उठाना पड़े, क्योंकि मेवाड़ की सेना अलाउद्दीन की विशाल सेना के आगे बहुत छोटी थी। इसलिए रानी ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि अलाउद्दीन चाहे तो रानी का मुख आईने में देख सकता है। अलाउद्दीन भी समझ रहा था कि राजपूत वीरों को हराना बहुत कठिन काम है और बिना जीत के घेरा उठाने से उसके सैनिकों का मनोबल टूट सकता है, साथ ही उसकी बदनामी भी होगी। इसलिए उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चित्तौड़ के किले में अलाउद्दीन का स्वागत रतन सिंह ने अतिथि की तरह किया, और जब रतन सिंह अलाउद्दीन को वापस किले के द्वार तक छोड़ने आए तो अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को संकेत कर रतन सिंह को धोखे से कैद कर लिया। रतन सिंह को कैद करने के बाद अलाउद्दीन ने प्रस्ताव रखा कि रानी को उसे सौंपने के बाद ही वह रतन सिंह को कैद मुक्त करेगा। रानी ने भी कूटनीति का जवाब कूटनीति से देने का निश्चय किया और उसने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि मैं मेवाड़ की महारानी अपनी 700 दासियों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होने से पूर्व अपने पति के दर्शन करना चाहूंगी। यदि आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है तो मुझे सूचित करें। रानी का ऐसा संदेश पाकर कामुक अलाउद्दीन के खुशी का ठिकाना ना रहा। अद्भुत सुंदर रानी को पाने के लिए बेताब उसने तुरंत रानी की शर्त स्वीकार कर संदेश भिजवा दिया। उधर रानी ने अपने काका गोरा और भाई बादल के साथ रणनीति तैयार कर
खासतौर पर डोलियां तैयार करवाई और इन डोलियों में हथियारबंद राजपूत सैनिक बैठा दिए। डोलियों को उठाने के लिए भी कहारों की जगह पर छांटे हुए वीर सैनिकों को कहारों के भेज में भेजा गया। इस तरह पूरी तैयारी कर रानी अलाउद्दीन के शिविर में अपने पति को छुड़ाने हेतु चली। अलाउद्दीन व उसके सैनिक रानी के काफिले को दूर से देख रहे थे। सारी पालकियां अलाउद्दीन के शिविर के पास आकर रुकी और उनमें से राजपूत वीर सैनिक अपनी तलवारों सहित निकलकर यवन सेना पर अचानक टूट पड़े। इस तरह अचानक हमले से अलाउद्दीन की सेना हक की बक्की रह गई और गोरा बादल ने तत्परता से रतन सिंह को अलाउद्दीन की कैद से मुक्त कर सकुशल चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचा दिया। इस हार से अलाउद्दीन बहुत लज्जित हुआ और उसने अब चित्तौड़ विजय करने की ठान ली। 6 माह चले घेरे व युद्ध के कारण किले में खाद्य सामग्री की कमी हो गई। तब राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर जौहर और साका करने का निश्चय किया। जौहर के लिए गोमुख के उत्तर वाले मैदान में एक विशाल चिता का निर्माण किया गया। रानी पद्मावती के निर्देशन में 16,000 राजपूत महिलाओं ने गोमुख में स्नान कर अपने संबंधियों को अंतिम प्रणाम कर जौहर चिता में प्रवेश किया। जौहर की ज्वाला के लपटों को देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी हतप्रभ हो गया। महाराणा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना धारण कर 30,000 राजपूत सैनिक किले के द्वार खोल भूखे सिंहों की भांति खिलजी की सेना पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। गोरा और उसके भतीजे बादल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। गोरा बड़ी वीरता से खिलजी की सेना का संहार कर ही रहे थे। इतने में खिलजी के एक सेनापति ने धोखे से गोरा के पीछे से हमला कर दिया और अपनी तलवार से गोरा के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर कटने के बाद भी गोरा का धड़ खिलजी की सेना से लड़ता रहा और खिलजी के प्रमुख सेनापति जफर का सिर काट कर उसका शीश जमीन पर ला दिया। इसके बाद ही इस महान राजपूत योद्धा के प्राण निकले। चाचा गोरा के धड़ को लड़ते देख बादल ने और पराक्रम के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सेना का संहार किया, मगर हुआ वही जो हमेशा से होता रहा। राजस्थान की लाज के लिए चित्तौड़ का एक और वीर निछावर हो गया। इस प्रकार गोरा और बादल की यह रणनीति खिलजी पर भारी पड़ी और राजा रतन सिंह सकुशल वापस चित्तौड़ आ गए। लेकिन गोरा और बादल की कथा लड़के कड़कड़ में अमर हो गई।